नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। और आज अपन बात करने वाले हैं कि राजस्थान पुलिस की, आपको जैसा कि पता है कि 6, 7, 8 नवंबर की एग्ज़ाम होने वाली है, तो आपको एडमिट कार्ड है वो किस प्रकार से डाउनलोड करना है, कौन सी वेबसाइट पे जाके आपको एडमिट कार्ड देखने होंगे, तो आज अपन इसी से रिलेटेड सारी सारी इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एडमिट कार्ड रिजल्ट और एग्ज़ाम एनालिसिस से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम आपके सामने लाते रहते हैं। एडमिट कार्ड निकालने के लिए आपको हमारी वेबसाइट rkeller.in पर आपको आना होगा। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप क्रोम ब्राउज़र के अंदर आने के बाद जस्ट rkeller.in सर्च भी कर सकते हैं। अब आप जैसे rkeller.in सर्च करेंगे तो आपको नीट एग्ज़ाम का रिजल्ट और राजस्थान PTET एग्ज़ाम का रिजल्ट डायरेक्ट यहाँ पे इस लिंक के थ्रू मिल जाएगा। और अगर आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके रिजल्ट और टाइम टेबल से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है, और भी लेटेस्ट जॉब से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से पा सकते हैं, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको राजस्थान पुलिस से रिलेटेड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जस्ट आपको rkeller.in के नीचे सर्च बॉक्स दिखता है, सर्च बॉक्स पर आके आप जैसे ही राजस्थान पुलिस 2020 लिखते हैं और जैसे आप इस सर्च बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, ये देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो जस्ट आपको कोई सी वाली लिंक पे क्लिक कर लेना है। अब जस्ट आपको नीचे आना है, तो जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे एग्ज़ाम तिथि वो घोषित हो चुकी है। एग्ज़ाम जो है आपकी 6, 7, 8 नवंबर को होने वाली है, ठीक है। और 17.5 लाख स्टूडेंट ने इस पर आवेदन किया है, और अपन इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके देख लेते हैं क्या है, ठीक है। तो जस्ट अपने को इस पर क्लिक कर लेना है, तो ये देखिए अपने जो राजस्थान पुलिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर खुल चुकी है। तो यहाँ पे अगर अपन देखते हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन, तो एडमिट कार्ड को लेकर के अभी तक इन्होंने कोई यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, ठीक है। तो जल्दी ही जो आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। एक बार यहाँ पे अपन ये देख लेते हैं डाउनलोड पे क्लिक करके, ये क्या दे रखा है इन्होंने, इम्पोर्टेंट डाउनलोड फॉर्म्स, ठीक है। तो एडमिट कार्ड को लेकर इन्होंने कोई इम्पोर्टेंट अभी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो एडमिट कार्ड आपको जल्द जारी कर दिए जाएंगे, और एडमिट कार्ड वो राजस्थान की और पुलिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर जारी किए जाएंगे। और एडमिट कार्ड वो आपको कब तक जारी हो सकते हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अपन देख पाते हैं कि जो एग्ज़ाम एडमिट कार्ड को लेकर के इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी वो है कि 3 नवंबर तक जारी होंगे प्रवेश पत्र, ठीक है। कांस्टेबल भर्ती है 3 दिन चलने वाली है, 6 पारी में आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, प्रत्येक पारी के अंदर 3 लाख स्टूडेंट आपके बैठने वाले हैं, 17.5 लाख आवेदन आ चुके हैं। और एडमिट कार्ड को लेकर इन्होंने यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दी है कि ऑफलाइन परीक्षा के लिए अक्टूबर के आखिरी सप्ताह है, या फिर 1 से 3 नवंबर तक अभ्यर्थियों के लिए परमिशन लेटर जारी कर दी जाएंगे। तो 3 नवंबर से पहले पहले जो आपके एडमिट कार्ड जारी हो सकते हैं, अक्टूबर के लास्ट वीक में भी आपके एडमिट कार्ड वो जारी हो सकते हैं। एडमिट कार्ड वो आपको राजस्थान पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिलने वाले हैं। और इसके अलावा एक फर्जी न्यूज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल की जा रही है राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम को लेकर, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये वो न्यूज़ है जो काफ़ी ज़्यादा वायरल की जा रही है कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को किसी कारणवश स्थगित कर दिया गया है, अब ये परीक्षा नवंबर में नहीं होकर मार्च में संपन्न होगी। तो गोविंद सिंह डोटासरा के ट्विटर अकाउंट से ये जो न्यूज़ है वो उठाई जा रही है, तो ये एकदम जो न्यूज़ है जो एकदम फर्जी न्यूज़ है। जैसा कि आपको पता है कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था गोविंद सिंह डोटासरा के ट्विटर अकाउंट पर ले जाके आपको कि जो न्यूज़ एकदम से फेक न्यूज़ है, ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी इन्होंने नहीं दी कि आपकी जो एग्ज़ाम है कैंसिल होने वाली है। एग्ज़ाम जो है आपकी 6, 7, 8 नवंबर को ही होने वाली है, ये 100% है, ठीक है। और एडमिट कार्ड भी आपके जल्दी जारी होने वाले हैं। और इसके अलावा अगर आपको मैं गोविंद सिंह डोटासरा के ट्विटर अकाउंट पे आपको मैं लेके चल भी सकता हूँ, यहाँ पे अपन देखते हैं एक बार गोविंद सिंह डोटासरा, ठीक है। अब इनके जैसे ट्विटर अकाउंट पे आते हैं अपन, तो यहाँ पे पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं क्या इन्होंने ऐसा ट्वीट किया हुआ है। तो ये देखिए अभी तक इनके द्वारा यहाँ पर कोई ट्वीट नहीं आया है राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम कैंसिल को लेकर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो जो न्यूज़ वो है वो एकदम से फर्जी न्यूज़ है। एग्ज़ाम जो है आपकी 6, 7, 8 नवंबर को ही होने वाली है, ऐसे आप देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो एडमिट कार्ड वो आपके जल्दी जारी होने वाले हैं, और जैसे एडमिट कार्ड जारी हुए हैं इन्फॉर्मेशन हम आपके सामने लिख करके आएंगे। तो राजस्थान पुलिस से पल पल की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।